तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को राशन कार्ड के बारे में सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं। जैसा कि आपको क्या क्या डाउट था, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, आपको नया जो राशन कार्ड बन रहा है उनका अप्लाई करने के लिए, तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगा, बहुत सारे मेरे पास सवाल आए थे, तो जिसका मैं सवाल को सभी को एकत्रित किया हूँ, लिखा हूँ कॉपी में, और सभी को मैं सवाल बताने वाला हूँ कि क्या क्या सवाल था सभी का और उसका जवाब क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं कॉपी एक ऐड कर चुका हूँ। पहला तो इनका सवाल था कि किन के नाम से रहेगा बेहतर बनाने में राशन कार्ड, जी हाँ दोस्तों। और दूसरा सवाल था इनका कि डॉक्यूमेंट इनमें क्या क्या लगेंगे, और जो ऐसे व्यक्ति थे जो आप नया नाम ऐड करवाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए पहले से किसी का बना हुआ तो उनका नाम ऐड करवाना चाहते हैं तो उनका कैसे जुटेगा। साथ ही साथ में यहाँ पर चौथा सवाल था इनका, जिनका पहले से नाम जुड़ा हुआ है अगर वो अलग करवाना चाहते हैं तो उनका अलग कैसे होगा, उनका अलग कैसे बनेगा। पांचवा सवाल ये था कि जो अप्लाई हुआ तो अप्लाई होने के कितना दिन के बाद आप सभी को राशन कार्ड बनकर मिल जाएगा। छठा सवाल ये था इन सभी का कि छठा सवाल में जैसे कि मान लीजिए आप अगर राशन कार्ड बनवाते हैं तो किसी कोर्ट या कहीं का अफिडेविट, साइंड अफिडेविट चाहिए, तो इन बहुत सारे इस तरह का सवाल था, तो इस सवाल सभी सवाल का मैं जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सभी को शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी को जानकारी हो पाए। और राशन कार्ड आप सभी बनवा रहे हैं तो सभी का कंफ्यूजन आप सभी में, तो पहला कंफ्यूजन था यहाँ पर कि इनके नाम से बेहतर रहेगा आपको बनाने में। तो आपको राशन कार्ड जब भी बनाना होगा तो आप किसी के नाम से भी बना सकते हैं, घर में जो भी बड़े होंगे उनके नाम से बना सकते हैं, जैसे मेल हो या फीमेल हो, यानी कि महिला या पुरुष किन्हीं के नाम से भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप रहती है प्राथमिकता की बात, तो यहाँ पर बिहार में यहाँ पर जो भी राशन कार्ड बनता है तो सभी महिला के नाम से ज़्यादातर बन रहा है और ज़्यादातर अप्रूवल होता है, तो इसलिए आप हमारे तरफ से अगर सलाह माने तो आप सभी अपना राशन कार्ड महिला के नाम से ही बनाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको जल्द ही अप्रूवल मिल जाएगा। अब यहाँ पर रही बात दूसरी बात यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए, तो डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर आपको चाहिए राशन कार्ड में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आवासीय प्रमाण पत्र, एक फैमिली के साथ में सभी का फोटो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरह से आप ढेर सारा फैमिली जितने भी होंगे सभी का फोटो चाहिए। साथ ही साथ में जो भी फैमिली आपके नीचे ऐड होंगे, जो नया बनवाएंगे तो उनका जो भी फैमिली होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 जो भी बच्चे होंगे, तो सभी बच्चे का यहाँ पर आपको यहाँ पर आधार कार्ड चाहिए। कई व्यक्ति का ऐसा सवाल था कि जो 6 महीने का या 8 महीने का जो बच्चा है उसका क्या होगा, उसका नाम ऐड होगा कि नहीं होगा, तो अगर उस बच्चा के नाम ऐड हो सकता है लेकिन उसका आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे का 6 महीने का हो या 8 महीने का सभी बच्चे का यहाँ पर आधार कार्ड बन रहा है, तो आप बनवा लेंगे तो उसका अगर बना हुआ हो तो आप ऐड कर सकते हैं। नए जुड़ने के नाम, तो नया जिनका नाम जुड़वाना होगा पहले से आपका बना हुआ है और आप नया ऐड करवाना चाहते हैं, तो इस तरह का भी कोई अपडेट नहीं आया है पोर्टल पर कि आप नया ऐड कर सकते हैं। जिनका पहले से राशन कार्ड में नाम है तो वो अगर अलग करवाना चाहते हैं, अलग अपना खुद का राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो जो पहले से आपका पोर्टल में नाम है तो वो नाम आपको डीलर के पास जाकर हटवाना पड़ेगा, उनका आईडी पासवर्ड होता है, उस आईडी पासवर्ड के माध्यम से वो हटवाएंगे और नाम जैसे ही आपका हट जाएगा वहाँ से तो आप नया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इस तरह का भी कोई अपडेट नहीं है कि आप उसमें जो पहले से बना हुआ तो उसी में हम ऐड करवाना चाहते हैं, तो इस तरह का भी कोई अपडेट नहीं अलग से नया कोई बनाने नया जोड़ने का कोई अपडेट है तो यहाँ पर उसमें आप ऐड नहीं कर सकते। आप वहाँ से रद्द करवा लें तो भले ही आपका वहाँ से ऐड हो सकता है, कितना दिन के अंदर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अनुमानतः बताया जा सकता है कि 15 से 20 दिन या लगभग महीना भी लग सकता है आपको बनने में। तो अगर आप सभी हमारे जो यहाँ पर कमेंट्स सभी लोग किए थे, इन सभी का अगर आप सभी को अगर जवाब मिल गया होगा, आप अगर इस जवाब से अगर संतुष्ट होंगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर अभी भी मन में अगर किसी भी तरह का सवाल होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको जल्द से जल्दी सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप सभी ध्यान दें कि जो भी आप अपना राशन कार्ड बनाएंगे, अधिकतर से अधिकतर ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने महिला के नाम से, घर के कोई भी महिला होंगे बड़े बुजुर्ग में तो उन्हीं के नाम से बनवाइएगा। और जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेगा तो डॉक्यूमेंट आपको फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर बैंक पासबुक, आधार कार्ड, फैमिली फोटो, आवासीय प्रमाण पत्र और जितने भी मेंबर ऐड होंगे उन सभी का यहाँ पर आधार कार्ड चाहिए। आप अगर फैमिली मेंबर का अगर नाम ऐड करवाना चाहते हैं इसका कोई अपडेट नहीं आया है, और यहाँ पर आप अगर नाम अगर अलग करवाना चाहते तो उसका भी अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ आप डीलर पर जाकर मिलकर वहाँ से नाम अपना रद्द करवा कर अपना नया अप्लाई करवा सकते हैं। तो यही थी छोटी सी अपडेट। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।